बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आई एम प्रोफेसर निसार अहमद निसार एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री सुपर किंग। डियर स्टूडेंट, वी आर हेयर इन बीएस सीरीज। आज का हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेशन है, दैट इज डिटेक्शन ऑफ न्यूक्लियर पार्टिकल या डिटेक्शन ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशन। इस सिलसिले में आज हम जो डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है गैस आयोनाइजेशन डिटेक्टर और गैस फिल्ड डिटेक्टर। तो स्टूडेंट, सबसे पहले इस डिटेक्टर के एम्स क्या हैं। गैस आयोनाइजेशन डिटेक्टर आर यूज्ड टू डिटेक्ट न्यूक्लियर पार्टिकल। गैस आयोनाइजेशन डिटेक्टर आर यूज्ड टू काउंट न्यूक्लियर पार्टिकल। गैस आयोनाइजेशन डिटेक्टर आर यूज्ड टू कंपेयर काइनेटिक एनर्जी, आयोनाइजिंग पावर and many other property of different nuclear particle. Gas ionization detector को mainly use किया जाता है कि हम ये determine करते हैं कि कौन से nuclear particle radioactive source से emit हुए हैं। जो nuclear जो radioactive particle emit हुए हैं उनकी तादाद कितनी है, जो न्यूक्लियर पार्टिकल एमिट हुए हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, उनकी आयोनाइजेशन पावर क्या है, उनकी और बहुत सारी प्रॉपर्टी हम इस डिटेक्टर से डिटरमिन कर सकते हैं। अब स्टूडेंट, बात करते हैं प्रिंसिपल के ऊपर। गैस आयोनाइजेशन डिटेक्टर डिपेंड करता है आयोनाइजेशन ऑफ फिलर गैस। गैस आयोनाइजेशन डिटेक्टर डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड करता है, आयोनाइजेशन ऑफ फिलर गैस विद इन द डिटेक्टर बाय रेडियो एक्टिव एमिशन। यानी गैस फिल्ड डिटेक्टर डिपेंड करेगा डिटेक्टर के अंदर जो गैस फिल है उसकी आयोनाइजेशन पे। इस गैस को आयोनाइज करता है न्यूक्लियर एमिशन, न्यूक्लियर एमिशन से जो पार्टिकल या रेडिएशन होती हैं वो इस गैस को आयोनाइज करते हैं। जब गैस इस डिटेक्टर में फिल हो की जाती है और न्यूक्लियर पार्टिकल या रेडिएशन एंटर होती हैं वो इस गैस को आयोनाइज करती हैं। जब ये गैस आयोनाइज हो जाती है उससे आयंस बनते हैं और इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं। ये आयन और इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं टुवर्ड रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड। रेडिएशन से प्रोड्यूस होने वाले आयन और इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं टुवर्ड रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड, और जब ये इलेक्ट्रोड को स्ट्राइक करते हैं तो करंट प्रोड्यूस होता है, और वो करंट जब सर्किट में पास होता है तो क्या होता है, वोल्टेज पल्स जनरेट होती है। इस वोल्टेज पल्स को मेजर कर लिया जाता है, रिकॉर्ड कर लिया जाता है। अब इस वोल्टेज पल्स की दो चीज़ें रिकॉर्ड की जाती हैं, उसकी हाइट रिकॉर्ड की जाती है, उसकी तादाद रिकॉर्ड की जाती है। पल्स हाइट से हमें पता चलता है, किसका पता चलता है, पल्स हाइट से हमें पता चलता है नेचर ऑफ न्यूक्लियर पार्टिकल एंटर इनटू द डिटेक्टर, जबकि नंबर ऑफ पल्स से हमें पता चलता है एक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियर एमिशन, यानी कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियर एमिशन पार्टिकल कितने एमिट हुए हैं इस बात का हमें पता चलता है। दोस्तों, इसको मैं अगर शॉर्टकट कर दूं तो शॉर्टकट में ऐसे कह सकता हूं कि गैस आयोनाइजेशन डिटेक्टर आर बेस्ड अपॉन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंड्यूस्ड इन द गैस एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ आयन पेयर फॉर्मेशन। अब स्टूडेंट, प्रिंसिपल के बाद मैं बात करूंगा कंस्ट्रक्शन की। जब मैं बात करता हूं, टिपिकल गैस आयोनाइजेशन डिटेक्टर इज शोन इन द फिगर। अब मेरे पास जो टिपिकल गैस आयोनाइजेशन डिटेक्टर होता है इसमें एक मेटालिक सिलेंडर होता है, हालो मेटालिक सिलेंडर होता है जिसको कनेक्ट किया होता है नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के साथ, और ये काम करता है एज ए कैथोड। ये सिलेंडर काम करता है एज ए कैथोड। सेंटर के अंदर एक वायर होती है जो कि यूजुअली टंगस्टन की होती है। इस वायर को कनेक्ट किया जाता है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के साथ और रिएक्ट करती है एज ए एनोड। इस वायर और सिलेंडर के दरमियान
इन कांटेक्ट नहीं होना चाहिए, इसलिए ये वायर को हम अटैच करते हैं थ्रू आइसोलेटिंग प्लग्स। ये आइसोलेटिंग प्लग क्या करते हैं, ये आइसोलेटिंग प्लग इस वायर और सिलेंडर को आपस में इन कांटेक्ट से बचाते हैं। फिर स्टूडेंट हमारे पास क्या होती है, वेरी थिन विंडो होती है। ये जो विंडो होती है ये वेरी थिन विंडो होती है, ये विंडो बनी होती है मिक्का की, एल्युमिनियम की, लेड की या अदर ट्रांसपेरेंट मटेरियल की। अब ये विंडो क्या करती है, रेडियोएक्टिव सोर्स और डिटेक्टर को सेपरेट करती है। इस विंडो के थ्रू क्या हो सकता है, इस विंडो के थ्रू न्यूक्लियर एमिशन डिटेक्टर में एंटर हो सकती है। फिर स्टूडेंट क्या किया जाता है, यहाँ पे एक लोड रेजिस्टर होता है, जब इससे करंट गुजरेगा यहाँ से वोल्टेज ड्रॉप होगी जिससे पल्स जनरेट होगी, वोल्टेज पल्स वो हम फिर वोल्टेज जो पल्स जनरेट होगी फिर उस वोल्टेज पल्स को हम रिकॉर्ड कर लेंगे। यहाँ पे आगे कैपेसिटर होगा, कैपेसिटर अनडिजायर नॉइस सिग्नल को स्टॉप कर देगा और फिर जो पल्स जनरेट होगी उस पल्स की हाइट को एम्पलीफाई करेगा, एम्पलीफायर उसको एम्पलीफाई करेगा और आगे फिर काउंटर की तरफ भेज देगा जो क्या करेगा उन पल्स की तादाद को काउंट कर लेगा। इस तरह एंड पे हमारे पास दो तरह की चीज़ें आ जाएंगी कि पल्स हाइट कितनी है और पल्स की तादाद कितनी है। इसको फिर हम यूज़ कर सकते हैं किसके लिए स्टूडेंट, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए। अब हम क्या करते हैं, जो ये डिटेक्टर होता है डिटेक्टर को परमानेंटली फिल कर सकते हैं विद सम गैस। इस डिटेक्टर को परमानेंटली सम गैस से फिल कर सकते हैं या कंटिन्यूस फ्लो ऑफ गैस कैन बी सेंड थ्रू द चैम्बर, या इसमें क्या होता है कंटिन्यूसली फ्लो भी गैस का पास किया जा सकता है या इसको परमानेंटली फिल कर दिया जाता है। तो स्टूडेंट ये इसकी क्या है, कंस्ट्रक्शन है। अब ये वर्किंग कैसे करेगा, ये डिटेक्टर वर्क कैसे करेगा स्टूडेंट, रेडिएशन विंडो के थ्रू एंटर होंगी, रेडिएशन जो रेडियोएक्टिव सोर्स एमिट होंगी अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल या गामा रेज, वो विंडो के थ्रू एंटर होंगी। अच्छा यहाँ पे मैं थोड़ी सी बात आपको बताता चलूँ, जो विंडो है वो मिक्का की बनी हो सकती है। मिक्का क्या होता है, मिक्का का जनरल फार्मूला होता है X2Y426Z8O20OHF। यहाँ पे X क्या हो सकती हैं, X पोटाशियम सोडियम या कैल्शियम में से कोई एक मेटल हो सकती है। हमारे पास Y क्या हो सकती है, Y एल्युमिनियम मैग्नीशियम या आयरन में से कोई एक मेटल हो सकती है, Z सिलिकॉन हो सकता है। तो स्टूडेंट रेडिएशन विंडो के थ्रू एंटर होंगी, हर पार्टिकल ईच पार्टिकल ऑफ रेडिएशन गैस के साथ इंट्रैक्ट करेगा, चैम्बर के अंदर गैस के साथ इंट्रैक्ट करके बहुत सारे आयन पेयर प्रोड्यूस करेगा, ये जो न्यूक्लियर रेडिएशन या न्यूक्लियर पार्टिकल ने गैस के साथ इंट्रैक्शन पे जो आयन प्रोड्यूस किए हैं इनको प्राइमरी आयन पेयर कहते हैं। अब स्टूडेंट क्या होगा, ये जो प्राइमरी आयन यहां पे बनेंगे पॉजिटिव आयन बनेंगे, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन बनेंगे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, चूंकि अप्लाइड वोल्टेज है, अप्लाइड वोल्टेज की वजह से ये नेगेटिव आयन मूव करेंगे टूवर्ड्स सेंट्रल वायर जो कि बहुत ही थिन होनी चाहिए, सेंट्रल वायर की तरफ मूव करेंगे। पॉजिटिव आयन मूव करेंगे कहां पे मूव करेंगे, टूवर्ड सिलेंडर, पॉजिटिव आयन मूव करेंगे टूवर्ड सिलेंडर यानी कैथोड की तरफ मूव करेंगे। अब स्टूडेंट क्या होगा, जब ये यहां पे मूव करेंगे तो हमारे पास पॉजिटिव आयन इस सरफेस पे एब्जॉर्ब हो जाएंगे और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन सर्किट से मूव करेंगे। जब ये सर्किट से मूव करेंगे, बैरूनी सर्किट से मूव करके पहुंचेंगे किसकी तरफ, बैरूनी सर्किट से मूव करके यहां पे दोबारा सिलेंडर की बॉडी पे पहुंचेंगे। इस दौरान करंट प्रोड्यूस होगा, वो यहां पे पोटेंशियल ड्रॉप देगा, वोल्टेज पल्स प्रोड्यूस होगी, उस वोल्टेज पल्स को एम्पलीफाई करके उसकी हाइट और उसकी तादाद रिकॉर्ड कर दी जाएगी। अब स्टूडेंट याद रखना, जब ये क्या होगा, जब यहां से इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे सरफेस पे जो पॉजिटिव चार्ज एब्जॉर्ब हुए थे वो इलेक्ट्रॉन गेन करके दोबारा न्यूट्रल, और अब ये डिटेक्टर एक और न्यूक्लियर पार्टिकल की रिकॉर्डिंग के लिए दोबारा से तैयार हो जाएगा। अगर आयोनाइजेशन रेडिएशन नहीं होगी, अगर आयोनाइजेशन रेडिएशन यहां पे पास नहीं करेंगे
तो हमारे पास क्या होगा कि इन द एब्सेंस ऑफ, इन द एब्सेंस ऑफ आयोनाइजेशन रेडिएशन, फिलर गैस एक्ट एज वेरी लार्ज रेजिस्टर। फिलर गैस लार्ज रेजिस्टर के तौर पे काम करेगी और कोई करंट ट्यूब के थ्रू पास नहीं होगा। अब स्टूडेंट याद रखना, जो हमारे पास पल्स वोल्टेज पल्स जनरेट होती है, वोल्टेज पल्स जो हमारे पास जनरेट होती है उसकी जो हाइट होती है वो दो फैक्टर पे डिपेंड करेगी। स्टूडेंट कौन से दो फैक्टर पे डिपेंड करेगी? एक डिपेंड करेगी जो न्यूक्लियर पार्टिकल, एक डिपेंड करेगी जो न्यूक्लियर पार्टिकल एंटर हुए डिटेक्टर के अंदर उनकी एनर्जी क्या है। चूंकि जो कम एनर्जी न्यूक्लियर पार्टिकल होंगे कम एनर्जी न्यूक्लियर पार्टिकल होंगे वो क्या करेंगे, वो कम आयोनाइजेशन काज करेंगे। जब कम आयोनाइजेशन होगी कम इलेक्ट्रॉन और कम पॉजिटिव आयन बनेंगे, कम करंट प्रोड्यूस होगा, कम इलेक्ट्रॉन बैरूनी सर्किट में फ्लो करेंगे, कम हमारे पास पोटेंशियल ड्रॉप होगी, कम वोल्टेज पल्स की हाइट कम होगी। अगर ज़्यादा एनर्जी वाले न्यूक्लियर पार्टिकल या रेडिएशन एंटर होंगी ज़्यादा आयोनाइजेशन होगी। जब ज़्यादा आयोनाइजेशन होगी तो ज़्यादा पॉजिटिव आयन और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होंगे। ये इलेक्ट्रॉन जब मूव करेंगे थ्रू द एक्सटर्नल सर्किट तो यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप होगी, पल्स हाइट ज़्यादा बन जाएगी। अब पल्स हाइट हमारे पास पहला जो फैक्टर है जिस पे डिपेंड किया वो कौन सा है, वो एनर्जी ऑफ न्यूक्लियर पार्टिकल डेसिपेटेड इन द गैस आयोनाइजेशन डिटेक्टर टू द गैस। दूसरा स्टूडेंट हमारे पास जो पल्स साइड होती है, याद रखना, दूसरा हमारे पास जो पल्स साइड होती है वो अप्लाइड वोल्टेज पे भी डिपेंड करती है। अप्लाइड वोल्टेज पे किस तरह डिपेंड करती है इसको समझने के लिए हम एक ग्राफ बनाएंगे। कैसा ग्राफ बनाएंगे इसको समझने के लिए हम एक ग्राफ बनाएंगे बिटवीन पल्स हाइट एंड अप्लाइड वोल्टेज। तो हमारे पास देखते हैं ये ग्राफ क्या है। स्टूडेंट जब हम पल्स हाइट यानी रिलेटिव डिटेक्टर रिस्पांस को प्लॉट करते हैं अगेंस्ट अप्लाइड वोल्टेज, वी हैव सेवरल करेक्टरिस्टिक वोल्टेज रीजन। वन बाय वन इसे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो रीजन आता है उसे रिकम्बिनेशन चैम्बर कहते हैं या रिकम्बिनेशन रीजन कहते हैं। जब वोल्टेज वी वन से कम होती है, जब हमारे पास गैस फील्ड डिटेक्टर के इलेक्ट्रोड के क्रॉस वोल्टेज वी वन से हम कम अप्लाई करते हैं, उस वक्त न्यूक्लियर रेडिएशन या पार्टिकल से जो आयन प्रोड्यूस होते हैं वो इलेक्ट्रोड की तरफ बहुत तेज़ी से मूव नहीं करते। जब वो इलेक्ट्रोड की तरफ बहुत तेज़ी से मूव नहीं करते तो थर्मल एनर्जी की वजह से उनके नेगेटिवली चार्ज आयन और पॉजिटिवली चार्ज आयन जो न्यूक्लियर रेडिएशन या पार्टिकल से प्रोड्यूस हो चुके होते हैं वो आपस में कुछ रिकम्बाइन हो जाते हैं। चूंकि अप्लाइड वोल्टेज उनको बहुत फास्ट अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर सकती ड्यू टू इट्स लो वैल्यू, तो अब क्या होता है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयन रिकम्बाइन हो जाएंगे, थोड़े इलेक्ट्रॉन और थोड़े पॉजिटिव आयन बचेंगे जो इलेक्ट्रोड पे पहुंचेंगे, कम करंट प्रोड्यूस होगा, कम इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करेंगे एक्सटर्नल सर्किट से, कम लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस कम वोल्टेज ड्रॉप होगी, पल्स हाइट कम होगी। इसलिए शुरू में क्या होता है, शुरू में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम पहुंचते हैं इलेक्ट्रोड के ऊपर और क्या होता है कम करंट प्रोड्यूस होता है, पल्स हाइट इस रीजन के अंदर कम होती है। लेकिन जू जू हम क्या करते हैं, जू जू वोल्टेज बढ़ाते हैं टूवर्ड्स वी वन तो हमारे पास इलेक्ट्रोड पॉजिटिवली चार्ज आयन और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन ज़्यादा लगाते हैं, तो ज़्यादा लगाने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयन फास्ट मूव करते हैं टूवर्ड्स इलेक्ट्रोड, तो उनके रिकम्बाइन होने के चांसेस कम कम होते जाते हैं, करंट ज़्यादा ज़्यादा प्रोड्यूस होता जाता है, लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज ज़्यादा ड्रॉप होना शुरू हो जाती है और पल्स हाइट बढ़ती जाती है। तो अब स्टूडेंट ये पल्स हाइट बढ़ती जाएगी यहाँ पर आके वी वन वोल्टेज तक, ये भी पल्स हाइट बढ़ती जाएगी आके वी वन वोल्टेज तक। अब ये जो दो हमारे पास लाइनें हैं, दो ग्राफ्स हैं, एक मेरे पास लो एनर्जी बीटा पार्टिकल के लिए, एक हाई एनर्जी अल्फा पार्टिकल के लिए। चूंकि अल्फा पार्टिकल की एनर्जी ज़्यादा होती है वो ज़्यादा आयन प्रोड्यूस करेंगे और बीटा पार्टिकल की एनर्जी कम होती है वो कम आयन प्रोड्यूस करेंगे,
तो बीटा पार्टिकल से कम करंट प्रोड्यूस होगा, लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस कम वोल्टेज ड्रॉप होगी, पल्स हाइट कम होगी। अल्फा पार्टिकल की एनर्जी ज़्यादा होती है, अल्फा पार्टिकल की जब एनर्जी ज़्यादा होती है ज़्यादा आयनाइजेशन कॉज करेगी, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल सर्किट में मूव करेंगे, लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप होगी, पल्स हाइट ज़्यादा होगी। तो इसलिए अपर जो लाइन है ये अल्फा पार्टिकल को इंडिकेट करती है, लोअर लाइन बीटा पार्टिकल को इंडिकेट करती है। स्टूडेंट क्या होगा, V1 वोल्टेज जब आएगी तो V1 वोल्टेज पे रिकम्बिनेशन चांसेस ख़त्म हो जाएंगे। अब जितने आयन इंट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियर पार्टिकल से प्रोड्यूस होते हैं V1 से V2 रेंज के दौरान, वो सारे के सारे आयन क्या होते हैं, वो सारे के सारे आयन करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रोड तक पहुँचते हैं, यानी इन रीजन V1 टू V2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रीजन द इलेक्ट्रोड इज रीजनेबली कॉन्स्टेंट एंड रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ आयन फॉर्म बाय द वन पार्टिकल। यानी इस रीजन के अंदर जब वोल्टेज होगी V1 से लेकर V2 तक की वोल्टेज की वैल्यू होगी, जो न्यूक्लियर पार्टिकल या रेडिएशन से इलेक्ट्रॉन और आयन बनेंगे वो सारे के सारे इलेक्ट्रोड तक पहुंच जाएंगे, उनके रिकम्बाइन होने के चांस नहीं होंगे, क्योंकि ये वाली वोल्टेज इतनी होती है कि जितनी प्राइमरी आयोनाइजेशन होगी, प्राइमरी आयोनाइजेशन का मतलब है आयोनाइजेशन काज बाय द इंट्रक्शन ऑफ न्यूक्लियर पार्टिकल विद द गैस, वो सारी प्राइमरी आयोनाइजेशन से जो आयन बने वो सारे इलेक्ट्रोड तक पहुंचेंगे। इसलिए क्या होगा, इसलिए इस रीजन के अंदर वोल्टेज बढ़ाने से हमारे पास पल्स हाइट पे फर्क नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि V1 पे हमारे पास रिकम्बिनेशन चांस ख़त्म हो जाते हैं, कोई रिकम्बिनेशन नहीं होती, और V2 वोल्टेज तक प्राइमरी आयन की काइनेटिक एनर्जी इतनी ज़्यादा नहीं होती कि वो सेकेंडरी आयोनाइजेशन काज कर सकें। इसलिए इस रीजन के अंदर पल्स हाइट कॉन्स्टेंट रहेगी, पल्स हाइट सफिशिएंट होगी और कांस्टेंट रहेगी। हाँ, बीटा पार्टिकल की पल्स हाइट कम होगी, अल्फा की ज़्यादा होगी, क्योंकि अल्फा की एनर्जी ज़्यादा है, ये ज़्यादा प्राइमरी आयन प्रोड्यूस करते हैं जबकि ये कम प्राइमरी आयन प्रोड्यूस करते हैं। अब इस रीजन को आयोनाइजेशन चैम्बर कहते हैं। इस रीजन में जो पल्स हाइट है वो टोटली डिपेंड करती है आयोनाइजेशन पावर ऑफ इंटरेक्टिंग न्यूक्लियर पार्टिकल, यानी यहाँ पर वोल्टेज V1 से V2 तक चेंज करने से हमारे पास पल्स हाइट पे फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए इस चैम्बर को हम आयोनाइजेशन चैम्बर कहते हैं। आयोनाइजेशन चैम्बर के अंदर पल्स हाइट सिर्फ आयोनाइजिंग पावर ऑफ एंट्रैक्टिंग न्यूक्लियर पार्टिकल पे डिपेंड करती है। अब देखना स्टूडेंट, हमारे पास बीटा पार्टिकल की आयोनाइजिंग पावर कम है, पल्स हाइट कम है, अल्फा पार्टिकल की आयोनाइजिंग पावर ज़्यादा है तो हमारे पास पल्स हाइट ज़्यादा है। अब स्टूडेंट जब वोल्टेज V2 से जब बढ़ेगी तो क्या होगा, अब वोल्टेज काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, V2 से जब वोल्टेज बढ़ेगी तो न्यूक्लियर पार्टिकल की इंट्रक्शन से जो प्राइमरी आयन प्रोड्यूस हुए उनको इलेक्ट्रोड अपनी तरफ तेज़ी से खींचेंगे, तो इन इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी सफिशेंट हो जाएगी। अब ये इलेक्ट्रॉन जब गैस मॉलिक्यूल से इंट्रैक्ट करेंगे तो ये फर्दर आयोनाइजेशन काज करेंगे, इस तरह सेकेंडरी आयोनाइजेशन हो जाएगी। जब ये सेकेंडरी आयोनाइजेशन होगी, अब स्टूडेंट देखना, जो जो वोल्टेज V2 से V3 की तरफ बढ़ाते जाएंगे, जो प्राइमरी आयोनाइजेशन से आयन बने थे उनकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, वो ज़्यादा से ज़्यादा सेकेंडरी आयोनाइजेशन करते रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होते रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा करंट एक्सटर्नल सर्किट में पास होगा, लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप होगी, पल्स हाइट बढ़ती जाएगी। इसलिए इस रीजन के अंदर V2 से V3 जो रीजन है इसमें पल्स हाइट डिपेंड करेगी, किस पे डिपेंड करेगी, अप्लाइड वोल्टेज और एनर्जी ऑफ इंट्रैक्टिंग न्यूक्लियर पार्टिकल। अब देखें यहां पर भी वही बात है, बीटा की एनर्जी कम है, कम हाइट है, अल्फा की एनर्जी ज़्यादा हाइट है, और वोल्टेज बढ़ने के साथ साथ दोनों की पल्स हाइट बढ़ती जा रही है, क्योंकि V2 से V3 तक जब हम वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे एक्सेलरेशन ज़्यादा होता जाएगा इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज आयन का, इलेक्ट्रॉन गैस को आयोनाइज करते जाएंगे और ज़्यादा हमारे पास क्या प्रोड्यूस होते जाएंगे, और ज़्यादा सेकेंडरी आयन प्रोड्यूस होते जाएंगे, एज अ रिजल्ट
करंट की मकदार काफ़ी बढ़ जाएगी। इसे गैस एम्पलीफिकेशन फैक्टर कहते हैं, यानी नंबर ऑफ सेकेंडरी आयन प्रोड्यूस बाय प्राइमरी आयन्स ड्यू टू इंक्रीज वोल्टेज इज कॉल्ड गैस एम्पलीफिकेशन या गैस मल्टीप्लीकेशन फैक्टर। याद रखना, एक इलेक्ट्रॉन 10 से लेकर 1000 तक सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस कर सकता है। तो इसीलिए इस वोल्टेज रीजन पे जब गैस आयोनाइजेशन डिटेक्टर ऑपरेट होगा, उसको हम नाम देंगे, किसका नाम देंगे, प्रोपोर्शनल काउंटर का नाम देंगे। अब स्टूडेंट, प्रोपोर्शनल काउंटर के बाद अगला हमारे पास रीजन आता है V3 to V4 वोल्टेज। V3 to जब वोल्टेज एक्सीड करती है फ्रॉम V3 तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो फिर क्या हो जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बहुत ज़्यादा हो जाता है, यानी वोल्टेज इतनी ज़्यादा हो जाती है, यहाँ पे चैन रिएक्शन शुरू हो जाता है। क्या मतलब चैन रिएक्शन, जो प्राइमरी न्यूक्लियर पार्टिकल से जो प्राइमरी आयोनाइजेशन हुई थी, एक इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुआ था, वो एक इलेक्ट्रॉन आगे फर्दर गैस को आयोनाइज करके इलेक्ट्रॉन बनाएगा, वो इलेक्ट्रॉन आगे और इलेक्ट्रॉन बनाएंगे, वो इलेक्ट्रॉन आगे और इलेक्ट्रॉन बनाएंगे। इस तरह सेकेंडरी से टर्शरी आयोनाइजेशन होती जाएगी और इस तरह बहुत ज़्यादा मकदार में क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मकदार में इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस होंगे। तो फिर क्या होगा, फिर जब बहुत ज़्यादा मकदार में इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल सर्किट में मूव करेंगे तो बहुत ज़्यादा करंट प्रोड्यूस होगा, लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप होगी, पल्स हाइट बढ़ जाएगी। तो इस तरह ये प्रोपोर्शनैलिटी शुरू में ग्रेजुअली लॉस हो जाएगी और एंड पे ये प्रोपोर्शनैलिटी यहाँ पे आके टोटल लॉस हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब यहाँ तक आएंगे तो यहाँ पे आने के बाद, इस वोल्टेज पे पहुँचने के बाद हमारे पास प्राइमरी आयोनाइजेशन पे पल्स हाइट डिपेंड अब नहीं करेगी। अब देखें, यहाँ पे इस पॉइंट पे पहुँचने के बाद हमारे पास प्राइमरी आयोनाइजेशन जिन पार्टिकल से काज होती थी, अब उसे हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होने की वजह से सेकेंडरी और टर्शरी आयोनाइजेशन इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि ऑलमोस्ट डिफरेंट एनर्जी के जो पार्टिकल थे उनसे जो प्राइमरी आयोनाइजेशन हुई थी, उस प्राइमरी आयोनाइजेशन के नतीजे में सेकेंडरी टर्शरी आयोनाइजेशन ऑलमोस्ट सेम मैग्नीट्यूड की हो जाएगी। इसलिए इन दोनों पल्स की हाइट जू जू वोल्टेज बढ़ती जाएगी, करीब आती जाएगी और यहाँ पे आके टोटली प्राइमरी आयोनाइजेशन पे डिपेंडेंस, इसकी जो डिपेंडेंस है वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये रीजन, इसको लिमिटेड प्रोपोर्शनैलिटी रीजन कहते हैं, ये कोई ज़्यादा वैल्यूएबल रीजन स्टूडेंट नहीं होता। अब स्टूडेंट, जब वोल्टेज V4 से एक्सीड करेगी इन द रेंज ऑफ V4 to V5, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रीचिंग टू इलेक्ट्रोड बिकम टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ एनर्जी डेसिपेटेड इन डिटेक्टर बाय द न्यूक्लियर रेडिएशन। क्या मतलब स्टूडेंट, अब यहाँ पे जरा गौर करना स्टूडेंट, V4 से जब V5 का रीजन है तो उसमें हमारे पास जो पल्स हाइट है, पल्स हाइट प्राइमरी आयोनाइजेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रही कि अल्फा पार्टिकल से ज़्यादा आयन प्रोड्यूस हुए थे या बीटा पार्टिकल से कम आयन प्रोड्यूस हुए थे, अब इस पर डिपेंड नहीं कर रही। शुरू में अगर कम आयन भी प्रोड्यूस हुए हैं, वोल्टेज इतनी ज़्यादा है कि सारे का सारा जो गैस का मैस है, सारे का सारा जो ट्यूब के अंदर गैस है, वो सारी की सारी आयोनाइज हो जाएगी, चूंकि वोल्टेज इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि प्राइमरी आयोनाइजेशन से इतनी मल्टीप्लीकेशन होगी, प्राइमरी आयोनाइजेशन से सेकेंडरी आयन से फिर आयोनाइजेशन, यानी जितनी भी एनर्जी की रेडिएशन एंटर हुई है उससे जितने भी शुरू में आयन प्रोड्यूस हुए हैं, अब उस पे करंट डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि शुरू में जितने मर्जी आयन प्रोड्यूस हुए हैं, इतनी हाई वोल्टेज होने की वजह से वो आयन्स और इलेक्ट्रॉन सारी गैस को आयनाइज कर देंगे। तो इसलिए एनर्जी कम वाली रेडिएशन एंटर हुई है या ज़्यादा वाली हुई है तो सारी की सारी गैस आयनाइज होगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयन जो इलेक्ट्रोड पे पहुंचेंगे वो कांस्टेंट होंगे। इसलिए इस रीजन के अंदर जो पल्स हाइट होगी वो सिर्फ डिपेंड करेगी, किस पे डिपेंड करेगी, वो डिपेंड करेगी वोल्टेज के ऊपर, वो एनर्जी जो डेसिपेट करती है न्यूक्लियर पार्टिकल या रेडिएशन उस पे डिपेंड नहीं करेगी। अब स्टूडेंट, और ये भी बहुत स्लाइटली उसके साथ इंक्रीज होगी। अब इस रीजन के अंदर जो GM काउंटर है, जो गिगर मुलर काउंटर है, इस रीजन में हम
डिफरेंट न्यूक्लियर पार्टिकल रेडिएशन में हम डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते। ये वाला डिटेक्टर सिर्फ यूज होगा इन ऑर्डर टू रिकॉर्ड एक्टिविटी, यानी ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए हम इसे यूज कर सकते हैं। जबकि स्टूडेंट एट रीजन बिहाइंड V5 के बाद क्या हो जाएगा, V5 के बाद जब वोल्टेज बढ़ जाती है तो फिलर गैस खुद आयोनाइज होना शुरू हो जाती है। फिर हमारे पास शुरू में अगर हमारे पास न्यूक्लियर रेडिएशन डिटेक्टर में आए भी ना, कोई न्यूक्लियर पार्टिकल रेडिएशन एंटर भी ना हो, वोल्टेज इतनी ज्यादा हो जाती है गैस बजाते खुद आयोनाइज होना शुरू हो जाती है। गैस खुद आयोनाइज होकर कंटिन्यूस डिस्चार्ज प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है। इस तरह इसमें पल्स साइड जो प्रोड्यूस होगी वो हमारे पास न्यूक्लियर पार्टिकल रेडिएशन ना भी हो प्रोड्यूस हो जाएगी। इसीलिए इस रीजन को हम कहते हैं कंटिन्यूस डिस्चार्ज रीजन। अब स्टूडेंट ये थी हमारे पास पल्स साइड का वोल्टेज और एनर्जी ऑफ न्यूक्लियर पार्टिकल के साथ ग्राफ। अब हमारा जो नेक्स्ट सेशन आएगा उस नेक्स्ट सेशन में हम डिफरेंट गैस डिटेक्टर पे बात करेंगे। गैस डिटेक्टर मेनली तीन टाइप के होते हैं। एक को आयोनाइजेशन चैम्बर कहते हैं जो V1 to V2 वोल्टेज रीजन में ऑपरेट होता है। एक को प्रोपोर्शनल काउंटर कहते हैं जो V2 to V3 वोल्टेज रेंज में ऑपरेट होता है। एक को हम GM काउंटर कहते हैं जो V4 to V5 वोल्टेज रेंज में ऑपरेट होता है। तो ये स्टूडेंट ग्राफ था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट ग्राफ है। बाज दफा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है डिस्क्राइब द ग्राफ ऑफ आयोनाइजेशन गैस आयोनाइजेशन डिटेक्टर, तो सिर्फ आपने ये डिस्क्राइब करना होता है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया केमिस्ट्री सुपर किंग को सब्सक्राइब करें, खास तौर पे अगर आप एनालिटिकल केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं। आई एम द एनालिटिकल स्पेशलिस्ट, आपको एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प इस चैनल से मिल सकती है। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन के अंदर क्वेश्चन पूछिएगा। स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। स्टे एट होम, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।